Good morning friends, welcome to Civil Stack. Friends, in this video I am going to discuss with you important news from 2nd May 2024. So let us start with our first discussion. First article is regarding a new kind of torpedo that we have tested. It is called Missile Aided Torpedo Release System. SMART system, aapko naam yaad rakhna hai dosto. SMART, what does SMART stand for? It stands for Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo. दिस स्मार्ट सिस्टम को जो टेस्टिंग है हमने एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा करा है, राइट, एंड इट विल ऐड टू इंडियाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज. सो टिपिकली आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सबमरीन से रिलेटेड वॉरफेयर या जो सबमरीन से रिलेटेड टॉर्पीडोज है उसको हम सबमरीन से लॉन्च करेंगे, बट इन दिस केस वी आर हैविंग अ मिसाइल एडेड टॉर्पीडो इन द सेंस दैट इसका काफी लाइफ एयर में रहेगा, उसके बाद ऑफकोर्स ही वाटर के अंदर जाकर जो है अपने गोल को यानी कि जो सामने वाली सबमरीन है उसको अटैक करेगा. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन दैट वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड. ओके, सब्सिक्वेंटली इसरो हैज फाउंड प्रूफ ऑफ एनहांस्ड पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर आइस इन पोलार क्रेटर्स ऑफ द मून. सो लास्ट कपल ऑफ डिस्कशंस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर देखे हैं मेरे लेक्चर्स के, सो उसके अंदर हमने मून के बारे में एक दो बार बात कर ली थी दोस्तों, और उसमें हमने कहा था, उस डिस्कशन में भी हमने कहा था कि जो मून का साउथ पोल है उसके ऊपर जो है पोलार आइस है, सरफेस के नीचे जो है आपको वाटर की अवेलेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ पोलार आइस देखने को मिल रही है. काफी उसी प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करा गया है. सो जो इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, राइट, दे हैव डन दिस स्टडी, और उस स्टडी के अंदर उन्होंने बताया है कि जो अमाउंट ऑफ सब सरफेस आइस है इन द फर्स्ट कपल ऑफ मीटर्स दैट इज अबाउट 5 to 8 times लार्जर देन द वन ऑन द सर्फेस इन बोथ द पोल्स, राइट, और जो एक्सटेंट ऑफ वाटर आइस है नॉर्दर्न पोलार रीजन के अंदर दैट इज ट्वाइस देन इन द सदर्न पोलार रीजन. टिपिकली हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि जो मून का साउथ पोल है वहां पर हमारे को आइस एक्सेट्रा की अवेलेबिलिटी है, बट नाउ दिस स्टडी इज ऑल्सो सेइंग दैट देयर इज सिग्निफिकेंट अवेलेबिलिटी ऑफ आइस इन द नॉर्दर्न पोलार रीजन एज वेल. ओके, एंड ये आइस आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है? सो इसका ओरिजिन इज आउट गैसिंग. सो जो वोल्केनिक इरप्शन हुए थे इन द इम्ब्रियन पीरियड, तो उस इम्ब्रियन पीरियड के वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो है मून के कोर के अंदर से या मून के सरफेस के नीचे से जो जो आपका जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था उसके साथ देयर मस्ट हैव बीन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर दैट मे हैव गॉटन लॉज्ड इन दीज सब सरफेस एरियाज, और वो जो है हमारा सोर्स है, राइट. And why is this important? This is important because let's say that in future we are doing manned lunar missions. Yeah, we are developing a base on moon for further exploration of let us say moon and the solar system beyond. So hum hamara jo base hai ya jo hamara station hai usko kahan banaye, right? So availability of these resources will help us in determining ki where should the station be placed. So this is the importance of this article. Moving ahead to the next article, right? Plastic treaty talks conclude in Ottawa with little progress. So we had spoken about this in one of our previous lectures that a global plastic treaty ko jo hai negotiate kara jane lag raha hai jiski meeting jo hai Ottawa Canada ke andar hone lag rahi hai, right. So ab wo meeting conclude ho chuki hai dosto, right. So depending upon whom you are asking aapko variety of jo hai opinions milenge. Kuch logo ke hisab se jo Ottawa ke andar ka jo meeting tha that was a failure, that did not result into significant progress. एंड कुछ लोगों से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे आपको कि ग्राउंड हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस व्हेन वी मीट अगेन इन नवंबर इन साउथ कोरिया, उसको, राइट. सो एक्टिविस्ट से दैट द मीटिंग वाज डिसअपॉइंटिंग, दिस वाज द फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स, राइट. सो एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी है जो कि मिलने लग रही है, ये उसका फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स था, राइट. एंड द कंटेंशन वॉज कि क्या हमारे को प्लास्टिक प्रोडक्शन को कम्प्लीटली फेज आउट करना है, बैन करना है, या सिर्फ रिसाइकलिंग के ऊपर हमारे को काम करना है, या जो ऑलरेडी प्लास्टिक वेस्ट पैदा हो चुका है सिर्फ उस पर काम करना है, राइट. प्रॉब्लम यहाँ पर यह आया कि जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज है जिनका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक एटसेट्रा, जिनके सिग्निफिकेंट स्टेक्स है, सो देवर ऑफ द ओपिनियन दैट लेट अस नॉट ब्रिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ दिस ट्रीटी. वेराइज की जो आपके यूरोपियन कंट्रीज है जो पूरे तरीके से इस वैल्यू चेन को खत्म करना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं, देवर ऑफ द ओपिनियन की हमारे को जो है पूरा प्रोडक्शन एज वेल एज रिसाइकलिंग एज वेल एज प्रोसेसिंग सारी चीजों के ऊपर हमारे को ध्यान देना चाहिए दोस्तों. सो दैट इज द वेरी बिग डिबेट दैट इज गोइंग ऑन, राइट. ये दोनों प्रकार के ग्रुप्स के बीच में खींचातानी चलने लग रही है.
वेयर डज इंडिया स्टैंड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट. सो इंडिया ने भी अपोज करा रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोड्यूसिंग सो कॉल्ड प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स और वर्जिन प्लास्टिक. जो दाना आता है उसको वर्जिन प्लास्टिक कहते हैं दोस्तों राइट. तो इंडिया ने भी कहा कि लेट अस नॉट अपोज दिस राइट, बिकॉज ये स्कोप के बाहर है. इंडिया ने ऐसा कहा कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का जो रेजोल्यूशन था जिसको ध्यान में रखते हुए ये ट्रीटी नेगोशिएशन स्टार्ट हुए, तो उसके स्कोप के बाहर है ये सारी चीजें. तो इंडिया ने एक्नॉलेज करा कि हाँ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं जो कि काफी हानिकारक है, बट इंडिया का भी स्टैंड जो है वो ये है कि लेट अस नॉट ब्रिंग प्रोडक्शन सो मच इन टू द एम्बिट राइट. अब अगली जो मीटिंग होगी वो नवंबर 2024 के अंदर होगी. इट दैट विल बी हेल्ड इन बुसान साउथ कोरिया. सो लेट सी व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वी आर एबल टू गेट ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ दिस ग्लोबल ट्रीटी ट्रेड्स राइट. दिस इज अनदर रिपीट आर्टिकल दैट यूएस एक्सपेक्ट्स इंडिया टू बिहेव इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर टू बी अकाउंटेबल यू नो फॉर वेरियस एक्टिविटीज दैट दे आर डूइंग ऑन सॉइल्स ऑफ अदर कंट्रीज. दिस इज अगेन गोइंग बैक टू दैट आइडिया की जो कैनेडा ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं राइट, और उन खालिस्तानी एलिमेंट्स के अगेंस्ट इंडिया की जो एक्टिविटीज है या इंडियन एजेंसीज जो उनके साथ उनको डील करने के लिए जो स्टेप्स उठाने लग रही है एक्सेट्रा. सो एवरीथिंग हैज टू बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंड बेसिकली इंडिया हैज टू अबाइड विद द लॉज ऑफ दोज कंट्रीज. तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है राइट. इन आवर प्रीवियस डिस्कशन वी हैव स्पोकन मल्टीपल टाइम्स की वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर आर्टिकल आया था राइट, जिस उस आर्टिकल में ये कहा गया क्या था कि जो रॉ के चीफ है यानी कि सामंत गोयल है, he was involved in the conspiracy to kill a pro-Khalistani leader in United States of America by the name of Gurpantwant Singh Pannun, right? So, ये सारी चीजें हमने कई बार आपके साथ discuss कर ली है friends, so there is absolutely nothing new over here. So let us move ahead. This is a very nice article, a very important article. It is talking about the challenge and necessity of balance in use of fertilizer. Okay. तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स है जो कि हम लोग फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, सो उन हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स को काफी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड रहता है राइट, और वो न्यूट्रिएंट सॉइल नेचुरली सप्लाई नहीं कर सकता है. सो देयरफॉर दैट न्यूट्रिएंट हैज टू बी एडेड इनटू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो एप्लीकेशन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए. बैलेंस्ड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो वेरियस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है सच एज नाइट्रोजन फॉस्फरस पोटेशियम उसके अलावा सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन जिंक कॉपर मैंगनीज बोरॉन मोलिब्डेनम, ये सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए फॉर अ हेल्दी ग्रोथ. ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलने चाहिए बैलेंस तरीके से, ना किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का ओवरडोज जाना चाहिए, ना ही किसी भी न्यूट्रिएंट का अंडरडोज जाना चाहिए, और ना ही जो चाहिए उससे बहुत ज्यादा जाना चाहिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स दे आर वाटर सॉल्युबल, तो ये पानी के अंदर डिजोल्व होकर फिर सॉइल भी खराब करते हैं, ग्राउंड वाटर भी खराब करते हैं, रिवर बॉडीज भी खराब करते हैं, एंड इट मेक्स द एंटायर एनवायरमेंट वेरी अनहेल्दी नॉट ओनली फॉर एनिमल्स बट आल्सो फॉर ह्यूमन बीइंग्स अलाइक राइट. सो दिस इज द बैकग्राउंड दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. अब होने क्या लग रहा है दोस्तों इंडिया के अंदर, यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट इन माइंड दैट यूरिया कंजम्पशन इन इंडिया इज ओनली इंक्रीजिंग इन द लास्ट 6 years. अभी पिछले साल जो है हमने 35.8 मिलियन टन्स यूरिया जो है यूज करा है 23-24 के अंदर, एंड दिस इज अराउंड 17% हायर देन लेट अस से 30.6 मिलियन टन जो कि हमने 2013-14 में यूज कर रहे थे. यानी कि इन दीज लास्ट 10 ईयर्स देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट जंप इन यूरिया कंजम्पशन राइट. अब ऐसा क्यों हो रहा है कि यूरिया का कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्योंकि यूरिया सस्ता है दोस्तों एज कम्पेयर टू अदर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स. यूरिया सस्ता है तो फार्मर क्या सोचता है कि सस्ता है तो अच्छा है राइट, तो यूरिया को ज्यादा अप्लाई कर देता है. इस चक्कर के अंदर यूरिया का जो है कंजम्पशन बढ़ने लग रहा है. एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दोस्तों 2010 के अंदर हुआ था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और उन्होंने जो है एनबीएस यानी कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सिस्टम ऑफ सब्सिडी लेकर आया था. न्यूट्रिएंट बेस्ड सिस्टम ऑफ सब्सिडी के अंदर हम हर एक न्यूट्रिएंट के लिए पर केजी बेसिस के ऊपर सब्सिडी देने लग रहे हैं राइट. सो द आइडिया वॉज कि चाहे आपका नाइट्रोजन हो चाहे फॉस्फोरस हो चाहे पोटैश हो चाहे फिर आपका सल्फर हो, हर एक के लिए पर केजी बेसिस पे सब्सिडी मिलेगी. ठीक है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फार्मर्स हैं उन लोगों का प्रेफरेंस है कि वो यूरिया यूज करे या फिर म्यूरिएट ऑफ पोटैश यूज करे या फिर डायमोनियम फॉस्फेट यूज करे राइट. तो रादर देन यूज दीज थ्री काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स सरकार ये चाहती थी कि फार्मर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की तरफ शिफ्ट कर जाए राइट.
अभी जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है इनके अंदर क्या होता है कि एन पी के एस ये चारों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सही मात्रा में रहते हैं राइट, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर रहती है ठीक है। बट ये जो एन बी एस स्कीम थी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और सक्सेसफुल ना हो पाने का वन ऑफ द मेजर कारण ये था दोस्तों कि यूरिया को इसके बाहर रखा गया, और जैसे यूरिया को इसके बाहर रखा गया और यूरिया के प्राइसेस को कंट्रोल्ड रखा गया तो देयरफॉर यूरिया के प्राइसेस लो थे दोस्तों। तो फार्मर्स हमेशा ये सोचता था कि फर्टिलाइजर एक काम करते, ज्यादा यूरिया लगा देते, और जो बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स होना चाहिए था, जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जिसकी मैंने बात करी जिसके अंदर एन पी के एस चारों न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, उसका बैलेंस्ड जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है उसका यूजेज उतना टेक ऑफ नहीं कर पाया राइट। अब ये जो प्रॉब्लम है ये और कंपाउंड हो गया है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, ये प्रॉब्लम और कंपाउंड ऐसे हो गया है कि इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ना केवल यूरिया के प्राइसेस कंट्रोल्ड है बट कई सारे और फर्टिलाइजर्स के भी प्राइसेस को सरकार ने कंट्रोल कर लिया है, यानी कि जो फ्री मार्केट रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन एक्सेट्रा की हम बात करते हैं उससे ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग गए हैं इन द फर्टिलाइजर सेक्टर दोस्तों राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि जो डायमोनियम फॉस्फेट है उसका जो करंट मार्केट प्राइस है दोस्तों दैट इज 1350 पर 50 केजी बैग, 1350 रुपया प्रति 50 किलो दोस्तों। नाउ दिस इज बिलो योर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का प्राइस। तो अगर फार्मर को चॉइस मिले कि तेरे को सस्ता डीएपी मिलेगा और तेरे को महंगा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मिलेगा, महंगा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर खेत के लिए अच्छा होगा लेकिन डीएपी सस्ता होगा, तो फार्मर टिपिकली अपना पैसा बचाने के लिए जो है डीएपी ज्यादा यूज कर रहा है राइट। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दिस डीएपी इट हैज बिकम द न्यू यूरिया। अब डीएपी का ओवर एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया बिकॉज यूरिया डीएपी सस्ता है राइट। ऑन द अदर हैंड जो म्यूरिएट ऑफ पोटैश यानी जो एमओपी है उसका जो प्राइस है दैट इज ₹1650 पर 50 केजी राइट। तो फार्मर्स इतना महंगा फर्टिलाइजर खरीदना नहीं चाहता है और अप्लाई नहीं करना चाहता है। तो जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि आपको जो प्राइस हायरार्की है उसको बराबर करना पड़ेगा। प्राइस हायरार्की के अंदर एमओपी सबसे सस्ता होना चाहिए, उसके बाद आने चाहिए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, और सबसे महंगा होना चाहिए आपका डीएपी, जबकि उसका ठीक उल्टा जो है हमारे सिचुएशन के अंदर हमारे को देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नई सरकार आएगी उसको इस इम्बैलेंस को ठीक करना पड़ेगा दोस्तों, और डीएपी जो है उसका यूटिलाइजेशन केवल राइस और वीट के ऊपर हमारे को सीमित रखना चाहिए, क्योंकि बाकी क्रॉप्स जो है वो ये प्रकार का न्यूट्रिएंट जो है अन्य जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है उसके अंदर से वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरा कर लेती है। अब इंडिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडिया इम्पोर्ट डिपेंडेंट है राइट, और कई सारे ये फर्टिलाइजर्स और उनके जो रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो अब कम हो चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुआ था पीक के ऊपर था तब ये सारे फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा की प्राइसेस काफी ज्यादा हो गए थे, नाउ दिस इज क्वाइट लेस। सो ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस की कूलिंग हुई है दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ द इम्बैलेंस दैट इज देयर इन अवर पॉलिसी, टेक केयर ऑफ द इम्बैलेंस दैट इज देयर इन अवर फर्टिलाइजर यूसेज। सो दिस इज वन एंटायर डिस्कशन मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों राइट। आई होप दैट दिस वॉज वेरी क्लियर टू यू। ओके, मूविंग अहेड टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल 31C दोस्तों राइट। सो 31C के बारे में हम इस आर्टिकल के अंदर बात करेंगे राइट। सो व्हाट वाज आर्टिकल 31C, मैं आपको क्विकली इसका बैकग्राउंड बता देता हूं दोस्तों। आर्टिकल 31C को जो है इंट्रोड्यूस करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट द्वारा, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आर्टिकल 39B और सी को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 31C का ऑब्जेक्टिव था आर्टिकल 39B और सी को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 39B और सी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात कर रहे थे। आर्टिकल 39B और सी इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डूइंग लैंड रिफॉर्म्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डूइंग बैंक नेशनलाइजेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ राइट। सो आर्टिकल 39B सी जो कि इकोनॉमिक जस्टिस के हिसाब से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनके प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 31C को इंट्रोड्यूस करा गया था। अब इस आर्टिकल 31C को इंट्रोड्यूस करते दौरान गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेसिव प्रकार के स्टेप्स लिए थे और उन्होंने जो जुडिशियल रिव्यू है उसको जो है डाइल्यूट करने की कोशिश करी। तो इसके अंदर काफी खींचातानी हुई थी बिटवीन लेट अस से द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, वही सारी हिस्ट्री इस आर्टिकल के अंदर डिस्क्राइब करी हुई है और वही चीज मैं अब आपको जो है थोड़ा एक एक पॉइंट बाय पॉइंट उठाकर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों राइट। सो ये सारी बहस अभी क्यों छिड़ी हुई है, ये बहस इसलिए छिड़ी हुई है दोस्तों बिकॉज एक नाइन जज बेंच जो है वो डिसाइड करने लग रही है कि बॉस ये आर्टिकल्स 39B, C, आर्टिकल 31C
इनके अंदर जो भी बातें लिखी हुई इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर एक प्रकार से डिस्कशन चलने लग रहा है, राइट? सो क्वेश्चन इज वेदर द गवर्नमेंट कैन अक्वायर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये क्वेश्चन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ी हुई है, और इसी बहस के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या आर्टिकल 31 सी अभी भी एग्जिस्ट करता है. ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन. व्हाई वाज दिस क्वेश्चन आस्क्ड, यू विल अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज आर्टिकल 31 सी, राइट? आर्टिकल 31 सी ये कह रहा है कि वी विल प्रोटेक्ट लॉज जिन्हें एनैक्ट करा गया था फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, राइट? सो आर्टिकल 39 बी इसके बारे में बात करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एंड आर्टिकल 39 सी बात करता है रिगार्डिंग रिड्यूसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, लेट अस, राइट? यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है. तो आर्टिकल 31 सी इन दोनों आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट किससे कर रहा है? आर्टिकल 31 सी इन दोनों आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम आर्टिकल्स 14 एंड 19. अब सपोज कर लीजिए कि आपने आके मेरी प्रॉपर्टी एक्वायर करने की कोशिश करी, राइट? और आपने उसको जो है सपोज कर लीजिए आपने उसको गरीबों में बांटने की कोशिश करी, राइट? तो मैं आपको क्या कहूंगा कि बॉस दिस इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट कैसे कर रहे हैं, राइट? मैं आपको बोलूंगा दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 19, जिसके अंदर एक टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, वाज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19, राइट? तो मैं आपके अगेंस्ट, अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी इस प्रकार से खरीद के जो है रिडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, तो मैं आपको आसानी से करने नहीं दूंगा, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में ड्रैग करके लेकर जाऊंगा, राइट? तो सरकार को मालूम था कि ये पॉसिबिलिटी है, तो सरकार ने इसीलिए आर्टिकल 31 सी बना दिया, राइट? सो आर्टिकल 31 सी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 25th अमेंडमेंट एक्ट इन 1971, दोस्तों, राइट? और इस आर्टिकल के अंदर 31 सी के अंदर एक लाइन लिखी गई थी दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट करी है, कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी. यानी कि अगर सपोज कर लीजिए कि सरकार कोई कानून बनाती है और कहती है, राइट, कि हम 39 बी और 39 सी यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस, वेलफेयर और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कानून बनाए हैं, तो ऐसे किसी भी कानून को जो है आप जाके कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हो. ये चीज लिखी हुई है इस हाईलाइटेड पार्ट के, यानी कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि आपने क्या कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट से जाकर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल या जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते हो, राइट? नाउ दिस 25th अमेंडमेंट एक्ट, इट वॉज चैलेंज्ड इन केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस के अंदर जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन निकल कर आई थी, और इसी डॉक्ट्राइन के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, सरकार के पास पावर है अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उठा के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दो. तो केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि ये जो लास्ट पार्ट था जिसके अंदर मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था कि अगर सरकार ने कोई भी लॉ बनाया तो उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता है, ये बोलकर कि ये 39 बी और 39 सी को प्रमोट नहीं कर रहा है, तो वो जो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर जो पार्लियामेंट ने अटैक करा था उस वाले पोर्शन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था. फिर जुडिशरी ने जब ये स्टेप लिया तो पार्लियामेंट पीछे नहीं रहा. पार्लियामेंट ने क्या करा, 1976 के अंदर एक और अमेंडमेंट लेकर आया, दैट वाज 42nd अमेंडमेंट, और उन्होंने एक नया 31 सी को इंट्रोड्यूस करा, और उस 31 सी के अंदर उन्होंने कहा कि फॉरगेट अबाउट 39 बी एंड 39 सी, अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए या लागू करने के लिए, तो उस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता, राइट? तो पार्लियामेंट एक और 10 स्टेप और आगे चला गया. फिर मिनर्वा मिल्स केस हुआ, मिनर्वा मिल्स केस के अंदर वापस से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर आइडिया को स्ट्राइक डाउन कर दिया कि बस इस प्रकार से तो नहीं चलेगा, ठीक है? यानी कि आर्टिकल 31 सी को एक प्रकार से स्ट्राइक डाउन कर दिया गया मिनर्वा मिल्स केस के अंदर, ठीक है? अब सवाल यह है दोस्तों, राइट, कि इसीलिए चंद्रचूड़ साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने पूछा कि अब डज 31 सी एग्जिस्ट. सवाल यह है, अब ये सवाल क्यों बन रहा है, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. तो हुआ क्या कि हमने एक 31 सी लाए, ठीक है, केशवानंद भारती केस के अंदर उस 31 सी के एक पोर्शन को काट दिया गया, फिर हमने एक नया 31 सी लाए, राइट, और मिनर्वा मिल्स केस के अंदर इस पूरे के पूरे आर्टिकल 31 सी को काट दिया गया. तो एक साइड अब ये कह रहा है कि सिंस इस 31 सी को काट दिया तो ये 31 सी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और दूसरा साइड ये कह रहा है कि नहीं भैया, नए वाले 31 सी को जैसे ही काट दिया, राइट, तो जो पुराने वाले 31 सी का जो पोर्शन बचा हुआ था वो जिंदा हो जाएगा, राइट? अब इसी के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कशन चल रहा है,
और आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो ये पहले भी इंडिया के अंदर हो चुका है। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, देयर वाज दिस एनजेएसी एक्ट जो कि लाया गया था, राइट, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट, राइट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, राइट। तो जब इस एनजेएसी एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्राइक डाउन करा था, जिसके अंदर जो है नया सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बनाया गया था और पुराना सिस्टम कॉलेजियम सिस्टम को हटा के नया सिस्टम लाया गया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस नए सिस्टम को स्ट्राइक डाउन करा, तो वो टाइम पे जो जस्टिस जोसेफ थे, कुरियन जोसेफ थे, तो उन्होंने कहा कि जब हम नए सिस्टम को स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली जो पुराना वाला सिस्टम है वो जिंदा हो जाएगा, राइट, ऑटोमेटिकली जिंदा हो जाएगा, ये चीज यहाँ पर लिखी गई। तो इसीलिए एक साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये है कि 31C का जो पुराना वर्जन है वो जिंदा हो गया है, और दूसरा वर्जन ये है कि 31C को तो मिनर्वा मिल्स केस में स्ट्राइक डाउन कर दिया है, तो 31C तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो ये डिबेट है दोस्तों, ये डिबेट अभी केवल स्टार्ट हुई है, ये काफी आगे जाएगी। मैंने आपको इन डिटेल आपको इस सारी चीजों को बता दिया गया है दोस्तों, एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये आर्टिकल है, राइट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स, हाइड्रॉन्स, राइट, मुऑन्स, राइट, मेजॉन्स, बैरियॉन्स, राइट, इन सारी चीजों के बारे में काफी अच्छी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। मैंने सारी चीजों को हाईलाइट कर दिया है, पढ़ के आपको सारी चीजें मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं अपना समय बचाना चाहता हूँ, आपका समय बचाना चाहता हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट वैसे आप जब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आगे बढ़ जाते हैं, स्टार एवोल्यूशन के बारे में भी काफी अच्छी बातें बता रखी है, ये पढ़ना जरूरी है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ, कि प्रीलिम्स के अंदर आपको एक आध सवाल बनकर आ सकता है, तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आप इसको जरूर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, पैराडाइम शिफ्ट रिक्वायर्ड है टू इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी। बड़ा तेजी से बता देता हूँ दोस्तों इस आर्टिकल की समरी। इस आर्टिकल के अंदर पहली बात ये बताई गई है कि इंडिया के अंदर ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा मिसयूज होने लग रहा है, ओवरयूज होने लग रहा है। इंडिया एक वाटर स्ट्रेस कंट्री ऑलरेडी बन चुकी है, और जिस प्रकार से हम लोग वाटर को वेस्ट करने लग रहे हैं, हम शायद वाटर स्कार्स कंट्री भी बन जाएंगे दोस्तों, राइट। हमारा जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है वो 0.4 meters एवरी ईयर होने लग रहा है। दुनिया भर के अंदर जितना भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करा जाता है, उसमें से 25% ग्राउंड वाटर केवल इंडिया के अंदर एक्सट्रैक्ट करा जाने लग रहा है। ये सिचुएशन अनटेनेबल है, अनसस्टेनेबल है, हमारे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो करने के पहले तो ये देख लेते कि ऑलरेडी क्या कर लिया गया है, राइट। तो बहुत सारे प्रकार के स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं जो कि ऑलरेडी ले लिए गए हैं, जैसे नेशनल वाटर मिशन के बारे में बात करी गई है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में बात करी गई है, सही फसल कैंपेन, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, एज वेल एज नीति आयोग ने लॉन्च करा है कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो ये वैरायटी ऑफ जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनका यहाँ पर ब्योरा दे रखा है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये बता रखा है कि ये जो स्कीम्स है या जो अभियान है, ये जो मिशन है, दे हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एज वेल एज दे शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। और बेसिक बात ये बताई जाने लग रही है कि हमारे को जो है अच्छा काम करना चाहिए। अच्छे काम का क्या मतलब होता है? अच्छे काम का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे को वाटर रीजनरेशन, वाटर यूज कंजर्वेशन करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, हमारे को स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन प्रकार की बेटर टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो जाए, राइट। हमारे को सरफेस इरिगेशन और ग्राउंड वाटर इरिगेशन को दोनों को साथ में मिला के बैलेंस करके यूज करना चाहिए। हम किस प्रकार की क्रॉप्स को ग्रो करने लग रहे हैं उसके बारे में हमारे को ध्यान देना चाहिए, क्रॉप रोटेशन के ऊपर हमारे को ध्यान देना चाहिए, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मोटा मोटी जो है ये सारा सारा मैटर इसके अंदर डिस्कस करा है, जो भी डिस्कस करा था उसकी मैंने आपको पूरी समरी बता दी है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल दोस्तों, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा दोस्तों, राइट। मूविंग अहेड, पुअर रेगुलेशंस प्लेग फूड सेफ्टी दोस्तों, राइट, दिस इज एन आर्टिकल विच इज अगेन बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ वॉट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, कि दोस्तों MDH मसाले जो है उनको US के अंदर एंट्री से बैन कर दिया गया है, एवरेस्ट मसालों को भी किसी देश के अंदर एंट्री से बैन कर दिया गया है। तो इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि हांगकॉन्ग, सिंगापुर, मालदीव्स के अंदर तो जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इनके ऊपर रोक लगाई जा रही है, US के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आए दिन रोक लगा दी जाती है या फिर एग्जामिनेशन चालू है कि इन आइटम्स को हमारे को हमारे कंट्री के अंदर नहीं आने देते। इन आइटम्स के अगेंस्ट क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि इन आइटम्स के अंदर एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, किसी में लेड की जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा है, किसी में से साल्मोनेला मिल गया उसकी वजह से उसको रोक दिया, राइट।
अब जब ये सारे प्रकार के स्टेप्स होते हैं तो टिपिकली ये कंपनीज क्या बोलती है कि ये तो विच हंटिंग हो रही है, इंडिया की इमेज खराब करने की कोशिश करी जा रही है। इंडिया के रेगुलेटर बोलते हैं कि हम लोग सामने से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सामने वाली पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, राइट? तो टिपिकल ब्लेम गेम हो जाता है और कुछ आउटकम निकल कर नहीं आता है। अब जो दिनेश शर्मा जी है, साइंस कॉमेंटेटर है, राइट, उन्होंने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बात की, काफी अच्छी बातें इस आर्टिकल के सेकेंड हाफ के अंदर लिखी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि ये सारे एपिसोड जब होते हैं ना, तो फूड रेगुलेशन के अंदर क्या लूप होल्स है, ओपेक प्रोसेसेस हैं, राइट, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की एब्सेंस है, जो एनफोर्समेंट स्टैंडर्ड्स को नहीं लागू करा जाता है, जो टेस्टिंग सिस्टम के अंदर कमजोरी है, राइट, इन सारी चीजों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। इन सारी चीजों पर काम करा जाना चाहिए। साथ ही साथ जो FSSAI है, जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है, इस आर्टिकल के सेकेंड हाफ के अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है कि कैसे FSSAI एज अ बॉडी को कैप्चर कर लिया गया है बाय इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट्स या बाय लॉबीस्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट्स। तो इनका ये कहना है कि FSSAI इंडस्ट्री के बिहाफ पे काम करने वाली बॉडी प्रकार से दिखाई दे रही है, जबकि उसको कंज्यूमर के साइड से काम करना चाहिए। ये चीज उन्होंने कंपोजिशन ऑफ FSSAI को डिस्कस करके बताई है कि कैसे FSSAI के अंदर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को पैक कर दिया गया था, फिर प्रोटेस्ट हुई तो कंपोजिशन चेंज करा, फिर वापस प्रोटेस्ट हुई तो वापस कंपोजिशन चेंज करा, और आज भी जो कंज्यूमर इंटरेस्ट है उसका जितना रिप्रेजेंटेशन FSSAI में जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं होने लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया केस स्टडी दी है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों। उन्होंने कहा कि जो कंज्यूमर हेल्थ एक्टिविस्ट है उनका ये मानना है कि जो हाई सॉल्ट, हाई शुगर, इस प्रकार के जो फूड आइटम्स है उनके ऊपर एक पैकेज, उनके ऊपर एक मार्क होना चाहिए ताकि जो सामने कंज्यूमर खरीद रहा है उसको क्लियर मालूम पड़ जाए कि ये हाई सॉल्ट, हाई शुगर प्रकार का आइटम है, अनहेल्दी प्रकार का आइटम है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ना खाऊं। तो ये डिमांड है, इस डिमांड के ऊपर FSSAI ने कोई काम नहीं करा है दोस्तों। इंडस्ट्री की डिमांड ये थी कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा भी विटामिन, थोड़ा सा भी मिनरल, थोड़ा सा भी कुछ हमने फोर्टिफिकेशन ऐड कर दिया है तो आपको F+ का लोगो बनाना चाहिए। F+ के लोगों से ये मालूम पड़ेगा कि हाँ ये आइटम बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, क्योंकि इसके अंदर फोर्टिफिकेशन करा है हल्का सा नाम मात्र, ठीक है। तो FSSAI ने तुरंत जो है F+ का लोगो जारी कर दिया, तुरंत ब्रांड्स को रिकॉग्निशन दे दिए, तुरंत ब्रांड्स की लिस्ट बना दी और वेबसाइट बनाकर पूरा प्रचार करवा दिया F+ का दोस्तों। तो यहां पर बात ये निकल कर आती है कि जो चीज खराब है, जो कंज्यूमर के फेवर के अंदर है, वहां पर तो जो काम करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो, राइट। और ये जो F+ जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें आप तेजी से काम कर देते हो। और फिर इसी आर्टिकल के अंदर FSSAI की यहाँ पर और धुलाई करी गई है दोस्तों जमकर। ये बताया गया है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है एज वेल एज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उन्होंने FSSAI की फंक्शनिंग के अंदर क्या क्या कमियां निकाल रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैग ने कहा है कि 10 साल हो गए थे FSSAI को इन एग्जिस्टेंस, उसके बाद भी उनका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि जो स्टैंडर्ड बनाना है तो कितने समय के अंदर बनाना है, राइट। कोई भी कन्विक्शन नहीं होता है, सपोज कर लीजिए कि कोई मिलावटी सामान मार्केट के अंदर आ जाता है और उसकी वजह से किसी की जान माल का नुकसान हो जाता है तो कोई तो जेल में जाना चाहिए, किसी को सजा होनी चाहिए, तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है FSSAI की वर्किंग के बारे में था, एज वेल एज जो फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनके बारे में था दोस्तों, राइट। एक और आर्टिकल है, आप जानते हैं दोस्तों इनइक्वालिटी के ऊपर काफी आर्टिकल्स चल रहे हैं आजकल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बड़े रूप में डिबेट करी जाने लग रही है। तो जो अगले 3 आर्टिकल है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, मैं आपको क्विकली जो है इनकी समरी बता देता हूँ। इस आर्टिकल की शुरुआत होती है विथ द आइडिया विच हैज बीन प्रपोज बाय थॉमस पिकेटी। तो उन्होंने एक किताब लिखी है दोस्तों, इंडियन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 to 2023, राइज ऑफ द बिलियनेयर राज, ठीक है। और थॉमस पिकेटी ये कह रहे हैं कि आज के दिन इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटी है इट इज द हाइएस्ट, इट इज मोर देन वॉट इट वॉज इन द कलोनियल टाइम्स। इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर बढ़ चुकी है। इंडिया के टॉप 1% ऑफ जो पॉपुलेशन है दैट इज ओनिंग 40% ऑफ इंडियाज वेल्थ एंड अर्निंग 22% ऑफ टोटल इनकम। जो तीसरा आर्टिकल आएगा जयती घोष का, उस आर्टिकल में ये लाइन को वापस से लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सिनारियोज एनी वेयर इन द वर्ल्ड दोस्तों, की टॉप 1% इतना ज्यादा वेल्दी है, इतना ज्यादा पावरफुल है दोस्तों, राइट। तो पॉइंट ये है, राइट, कि अब इसको करे क्या, व्हाट टू डू अबाउट सच सिचुएशन। तो देखिए इस आर्टिकल का जो मेन थ्रस्ट है, राइट, उसका मेन थ्रस्ट ये है बॉस कि हमें जो है ना अगेन
वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स के रास्ते के ऊपर जाकर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, अमीरों को जो अटैक करके हमारे को कुछ नहीं मिलेगा. वॉट वी शुड रादर डू इज दैट वी शुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द बॉटम ऑफ द पिरामिड सेक्शन और फॉर द एंटायर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, सो दैट की बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन होए और उस बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन की वजह से जो है अपॉर्चुनिटीज ओपन होकर आए और इस प्रकार की इनइक्वालिटी कम हो जाए दोस्तों, राइट. सो इस आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजों को डिस्कस करा गया है. फॉर एग्जाम्पल इसमें ये बताया है, राइट, कि जो बॉटम 50% ऑफ पॉपुलेशन है, राइट, उनकी भी जो इनकम है, राइट, वो काफी इंक्रीज हुई है, राइट, वो काफी इंक्रीज हुई है. सो इसमें यही बताया गया दोस्तों कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब कह रहा है, राइट, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि सारी चीज मुझे दिखाई दे सके, राइट, कि डेटा फ्रॉम वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ये सजेस्ट कर रहा है कि टोटल रियल इनकम ऑफ बॉटम 50% चार गुना इंक्रीज हुआ है 91 से 2022 के बीच, राइट. सो डिस्पाइट द फैक्ट कि बॉटम 50% का जो शेयर ऑफ टोटल इनकम है वो कम हुआ है, उनकी इनकम चार गुना इंक्रीज हुई है. तो उनकी इनकम चार गुना इंक्रीज इसलिए हो पाई क्योंकि इंडिया में ग्रोथ हुई और ग्रोथ के नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं दोस्तों. यहां पर बताया गया है दोस्तों कि इंडिया के अंदर जो है 1960 से 1990 के बीच में जो ग्रोथ रेट थी वो 1.6% थी ऑन एन एवरेज, वेर एज 1990 से 2022 के बीच में जो ग्रोथ रेट थी वो 3.6% थी. सो सिंस ग्रोथ रेट बढ़ी, सिंस अपॉर्चुनिटी बढ़ी, सिंस प्रोडक्शन बढ़ा, तो जाके जो बॉटम 50% है उसको उसकी जो इनकम है वो फोर टाइम्स इंक्रीज हुई, भले ही उसका नेशनल इनकम के अंदर जो शेयर है वो कम हो गया दोस्तों, राइट. तो अगर ग्रोथ ही नहीं हुई होती, राइट, तो ये फोर फोल्ड इंक्रीज नहीं होता, ऐसा इस बात से आप समझ सकते हैं दोस्तों, राइट. अब जैसे फॉर इंस्टेंस यहां पर एक और आंकड़ा दे रखा है कि जो इंडिया का टॉप 1% है ऑन एन एवरेज 53 लाख पर एनम अर्न करता है और जो बॉटम 50% है ऑन एन एवरेज 71,000 अर्न करता है दोस्तों. तो अब करा क्या जाए, तो इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि न्यूरोसर्जन बहुत कमा रहा है, तो सोल्यूशन ये नहीं है कि न्यूरोसर्जन की सैलरी के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स मार दो कि कल कोई न्यूरोसर्जन ही ना बनना चाहिए. सोल्यूशन ये है कि आप मेडिकल सेक्टर को ओपन अप करिए, फाइनेंशियल सेक्टर को ओपन अप करिए, ताकि जो बच्चा चाहे मेडिकल की तैयारी करना उसको तैयारी करने का मौका मिले, और अगर वो गरीब है तो उसको जो है बैंक से लोन या बैंक से सहायता मिले ताकि वो तैयारी कर सके, और फिर बढ़िया से बढ़िया बच्चा, ज्यादा से ज्यादा बच्चा न्यूरोसर्जन बने और फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर सब लोग कमाएंगे. सो रादर देन की ट्राई एंड यू नो चार्ज द न्यूरोसर्जन और गो बिहाइंड द न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर हम, राइट, आपको अपॉर्चुनिटी ओपन करनी चाहिए. यानी कि इस आर्टिकल का मेन थ्रस्ट ये है दोस्तों, राइट, कि आपको इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द पुअर को बढ़ाना चाहिए, ना कि हायर टैक्सेस ऑन हाई इनकम अर्नर्स के पीछे भागना चाहिए दोस्तों. इसका ठीक ऑपोजिट व्यू भी आपको आगे मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए दोस्तों, ठीक है. तो वही चीज को यहाँ पर जो है डिस्कस करवाया गया है कि जो टॉप 1% है, राइट, उनके पास 5.4 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स है ऑन एन एवरेज, और बॉटम 50% के पास 1.7 लाख केवल के एसेट्स है ऑन एन एवरेज, राइट. तो इसमें यही चीज को वापस से जस्टिफाई करा गया है कि बस जो मार्केट इकोनॉमी होती है ना, मार्केट इकोनॉमी, उस मार्केट इकोनॉमी की खास बात यह है कि एसेट ओनरशिप उन लोगों के हाथ में जाती है जो सही कैलकुलेशन, सही डिसीजन, सही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और उन लोगों के हाथ में से निकल जाती है जो सही कैलकुलेशन नहीं करते हैं, सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेते हैं, सही तरीके से चीजों को अप्रोच नहीं करते. यानी कि कैपिटलिज्म या फिर मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो ओनर्स ऑफ एसेट्स रहते हैं, राइट, वो बेस्ट पॉसिबल ओनर्स ऑफ एसेट्स हैं, और जब वो लोग उस एसेट्स को गवर्न करते हैं और वो एसेट्स को ग्रो करते हैं तो जो पूरे कंट्री की नेशनल इनकम है वो ग्रो होती है. तो डेफिनेटली जो एसेट का ओनर है सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको मिलता है, बट जो गरीब है, जो वर्कर है, जो मिडिल क्लास है, उसको भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि नौकरियां, अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा उसके लिए भी जो है क्रिएट होती है दोस्तों, राइट. तो ये मेन बात है इस आर्टिकल की, राइट, यही चीज को यहां पर बताया गया. अब इसका ठीक ऑपोजिट व्यू हम ले लेते हैं, राइट. ये बीच वाला आर्टिकल है, ये बीजेपी के गौरव वल्लभ साहब है, उन्होंने लिखा है, अच्छा आर्टिकल है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देखिएगा. अब जयति घोष का आर्टिकल पढ़ते हैं जो इससे ठीक ऑपोजिट बात करेगा दोस्तों. अब जयति घोष के आर्टिकल के अंदर कुछ फैक्ट्स है दोस्तों, राइट, जो कि हमें अभी तक नहीं मालूम. पहला फैक्ट ये है कि जो इनहेरिटेंस टैक्स है, राइट, या टैक्स ऑन अल्ट्रा रिच है, अब ये G20 का मेन एजेंडा आइटम बन चुका है, बिकॉज ब्राजील जो है वो चाहते हैं कि ये मेन एजेंडा आइटम बने, और उन्होंने ये आइटम को मेन एजेंडा आइटम बना दिया. उसके अलावा दोस्तों ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 आई है, जिसके अंदर गैब्रियल जुकमैन इकोनॉमिस्ट और उनके कलीग्स ने जो है इस आइडिया को बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप करा है. उसके अलावा ब्राजील, जर्मनी, स्पेन, साउथ अफ्रीका के अंदर जो है एक प्रकार से कंसेंसस बन रहा है कि 2% टैक्स लगाया जाना चाहिए ऑन डॉलर बिलियनेयर्स दोस्तों,
राइट। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब डिस्कशन हो रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट खुद के रिप्रेजेंटेटिव ने जाके कहा है कि वी आर अलाइंड विद द आइडिया दैट देयर शुड बी टैक्सेशन ऑन वेल्दी इंडिविजुअल्स, राइट। ये चीज इंडिया के खुद के रिप्रेजेंटेटिव ने जाके कही है, राइट। इंडिया के खुद के कई सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इस चीज को मानते हैं कि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी की वजह से इकोनॉमी डिसफंक्शनल हो जाती है और जो सोसाइटी है उसके अंदर एक डिवीजन और एक अनहैप्पीनेस पैदा होती है। दोस्तों इंडिया के अंदर आज के दिन 200 डॉलर बिलियनर्स है जो कि दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट नंबर है 200। उसके अलावा इंडिया के शहरों के अंदर बहुत सारे कम से कम 1200 सेंटी मिलियनर्स है। दोस्तों इंडिया के अंदर कम से कम 1000 से 1200 सेंटी मिलियनर्स है। सेंटी मिलियनर्स यानी कि जिनका एसेट होल्डिंग इज ग्रेटर देन 100 मिलियन डॉलर्स, दोस्तों, राइट। तो ये नंबर जो है ये नंबर मैनेजेबल नंबर है। तो जयती घोष का ये कहना है कि हम मिडिल क्लास के ऊपर तो कोई नया टैक्स लगाने की बात कर ही नहीं, हम केवल ये 1200 इंडिविजुअल या जो 1200 परिवार है जिनके पास इतना पैसा है कि वो लोग चाहे जितनी शादियां कर ले खर्चा नहीं कर पाएंगे, चाहे जितनी कोशिश कर ले खर्चा नहीं कर पाएंगे, उन लोगों से हम एक छोटा अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट कर लेना चाहते हैं। और अगर हम केवल 2-2% भी इनसे जो है इनकी नेट वेल्थ को जो है अगर हम टैक्स के तौर पे ले लेते हैं तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड टुगेदर मिलकर ग्रेटर देन 50% इंक्रीज करता है अपने कर सकता है अपने हेल्थ बजट के ऊपर, और सब लोगों को बहुत अच्छी हेल्थ केयर मिल सकती है। तो इस आर्टिकल का बेसिक थ्रस्ट यही है दोस्तों, इस आर्टिकल का बेसिक थ्रस्ट है कि कंसेंसस बनने लग रहा है, हमारे को सबको परेशान नहीं करना है, इनफैक्ट परेशान किसी को भी नहीं करना है क्योंकि पैसा इनके पास इतना रखा है कि ये लोग इस पैसे को कभी नहीं खर्च पाएंगे, वो पैसा इनके लिए कोई काम का नहीं है दोस्तों, राइट। तो पास्ट के अंदर अब और जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है टिपिकली कि नहीं ये टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, कलेक्ट करना मुश्किल होगा, है ना, और ज्यादा कलेक्शन आएगा भी नहीं, बेकार में टार्निश हो जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी, तो बोले इमेज तो कोई खराब होने का है ही नहीं सवाल क्योंकि पूरी दुनिया करने लग रही है और कलेक्शन में भी डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि केवल 1200 परिवारों से या इंडिविजुअल से हमारे को इसको वसूलना है और कलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो कि इतना छोटा छोटा अमाउंट हम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सबसे कलेक्ट कर लेते हैं उसमें हम लोग को कोई परेशानी नहीं आती है, तो इस टैक्स के अंदर हमारे को क्यों परेशानी आएगी। और उन्होंने इस चीज को रीआइट्रेट करा है दोस्तों कि ये जो वेल्थ टैक्स का जो कलेक्शन है इसका थ्रेशोल्ड काफी हाई रखना है ताकि जो मिडिल क्लास प्रकार की फैमिलीज है, इवन अपर मिडिल क्लास प्रकार की फैमिलीज है, उन लोगों को ज्यादा टेंशन ना आए, राइट। और ऐसी बात भी नहीं है कि अगर आप बोल रहे हैं कि भाई इंडिया छोड़ के लोग चले जाएंगे, इंडिया से लोग भाग जाएंगे, लोग अपने एसेट्स को इंडिया के बाहर ले जाएंगे ताकि उनके ऊपर टैक्स ना लगे, तो बोले उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ बैंकिंग इन्फॉर्मेशन होने लग रहा है, 142 नेशंस आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इंडिया के पास भी इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है, तो कोई छुप के भाग भी नहीं सकता है दोस्तों। तो बात यह है कि 200 डॉलर बिलियनर्स को और लगभग 1000+ सेंटी मिलियनर्स को जो है टारगेट करना है, यानी कि 99.999% ऑफ पॉपुलेशन का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और ठीक ठाक टैक्स कलेक्शन भी आ जाएगा। सो दिस इज माय सबमिशन टू यू टुडे, वापस मिलेंगे हम कल, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।